नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे राजा गोपी चंद की कहानी। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 10 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 11। सुनो कौन मारा है? कह सुनाओ नारायण नारायण। हाँ जी तीन
बहो नहीं मैं का रास्ता सुनो सुनारा को हम जी आ सकते हैं कि उसका खाल लाया है। हाँ बाबा उसका खाल तो लाया है बाबा। ठीक है नारायण नारायण अलख निरंजन नारायण नारायण। ठीक है मेरे दिखाओ। एक सवाल है बाबा। कौन सवाल है? क्या नारा क्या बोला बैठो। मैं तो मेरी आशा लगा रहा हूँ बाबा। तुम आशा लगा के आया है तुम्हारा परखना तुम्हारा आशा के अवश्य पूरा करेगा। ठीक है बाबा। ठीक है तुम्हारा खाल लाया है उसका खाल लाए बाबा। नारायण नारायण लाओ खाल उसका। ठीक है बाबा लीजिए बाबा। सर को जल्दी ला दिया। तुम्हारा मिर्गा को हम जिंदा करके भेज रहा हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है नारायण 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 नारायण।
उसमें बाबा 70 लंबरगिनी रह रही है और 70 लंबरगिनी में थोड़ा मिर्गा है बाबा क्या उस मिर्गा को मैंने एक दिन शिकार कर दिया है।
महात्मा जी पूछना तो जरूरी है, महात्मा जी आपका मकान बन रहा है झूलागढ़? हाँ देख रहा हूँ। और मेरा नाम गोपीचंद है। आपका गोपीचंद नाम? हाँ। बेटा क्या ए तो तुम्हारा बहुत भारी कष्ट है। क्या भाटा जी तुम्हारे बहुत भारी कष्ट है ए शरीर के ऊपर? हाँ तो बताओ तुम्हारा जो जो बाप कटेगा। मानने के लिए आपको तो मैंने तैयार हूँ बात को छोड़ो। हाँ सोना चांदी पूरा मांगना पड़ेगा। हाँ जोगी बैरागी बनकर। हाँ जोगी बनने बाबा। उसके बाद बाबा कहाँ जाएगा बाबा? हाँ हाँ बाबा हमने कहना है कि संकट कुछ है लेकिन पाप रखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। Thank you.
लेकिन ये कहिए कि चेला बनने के बाद पाप कट जाएगा? हाँ, और एक सवाल है, जो परागी बनेगा और जोगी बनेगा, अच्छा तुम्हारा शादी भी हो रहा है? नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।